नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हमारे बीच मौजूद है नरेंद्र पूनिया। ये वो शख्स है जिनका एसएससी जेई में सिलेक्शन हुआ है और आज हम इनकी जर्नी जानेंगे। इनकी जर्नी में उत्कर्ष इंजीनियर क्लासेस का कुछ अहम रोल रहा है और हम इनके मुंह से जानेंगे कि क्या रोल रहा है और किस प्रकार ये अपनी जर्नी को देखते हैं। नरेंद्र पूनिया, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, सबसे पहले मुझे यहाँ पे मौका देने के लिए। और सर, मैंने इंजीनियरिंग सर 2017 में की थी बीकानेर से जी। उसके बाद से मैं कंटिन्यू तैयारी में था, लेकिन 2019 आरपी से एन मेंस देने के बाद उसमें नहीं हुआ था। लेकिन फिर बाद में प्राइवेट जॉब की 2 साल, फिर 2022 में वापस उत्कर्ष से जुड़ा। उसके बाद मैंने यहाँ से पहले यूट्यूब पे क्लासेस लेता था, लेकिन उसके बाद प्री हुआ। प्री के बाद मैंने मेंस की, प्री और प्लस मेंस दोनों की यहाँ से टेस्ट सीरीज ली, जो काफ़ी फायदेमंद थी। ओके, तो नरेंद्र मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे, ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने तुम्हें मोटिवेट करा कि मैं एसएससी जेई का एग्ज़ाम दूँ और उसको उत्कर्ष के साथ दूँ? ऐसा क्या था जिसने तुम्हें मोटिवेट करा? सर, उत्कर्ष की जो नॉन टेक में बहुत पहले काफ़ी अच्छा कर रहा था जी, लेकिन उसके बाद जब से 2022 में ये इंजीनियरिंग फील्ड में आया, तो उसके बाद मुझे ये था कि उत्कर्ष से अगर मैं जुड़ूंगा तो जो मेरे लिए बेनिफिट होगा जी। और अगर मुझे खुद पे भी ये था कि मैं अगर 1 साल और देता हूँ तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए। ओके ओके, तो जैसा भी दोस्तों नरेंद्र ने बताया कि टेस्ट सीरीज की बहुत अहमियत होती है और टेस्ट सीरीज नरेंद्र ने दी और उसका फलस्वरूप उनका सिलेक्शन हुआ। तो टेस्ट सीरीज में देखो, एक सवाल है मेरा, बहुत जेन्युइन सवाल है। ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज आपने पहली बार दी होगी, पहले भी आपने कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज दी होगी। उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज में ऐसा क्या खास लगा आपको? सर, दूसरी कोचिंग में ये था कि जो उसका मेनली ये था कि जो सॉल्यूशन मिलता था जी, उनका डिटेल सॉल्यूशन नहीं मिलता था। ओके, बच्चा जैसे ये होता है कि टेस्ट सीरीज दे दिया, उसका सॉल्यूशन अगर उसको नहीं मिल रहा है तो वो उसके लिए बेनिफिट नहीं है। ओके, तो इसी तरह ये था कि जो आपको टेस्ट हो उसके बाद उसका सॉल्यूशन मिल रहा है तो आप उसका अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो और उससे आपका इंप्रूवमेंट होता है। एब्सोल्युटली दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा नरेंद्र का, कि जब नरेंद्र टेस्ट सीरीज दे रहा था तो हर टेस्ट के बाद हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आता था और टीचर से कंसल्ट करता था मुझसे गलती कहाँ हुई। ये इसकी मुझे आदत बहुत अच्छी लगती थी कि ये रेगुलर टच में रहता था कि सर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं और कम आ रहे तो क्यों आ रहे हैं। मतलब डेली इंप्रूवमेंट की तरफ जाना ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा भी नरेंद्र ने बोला कि सोल्यूशन, उसमें मैं एक लाइन और ऐड करूंगा, वीडियो सोल्यूशन जी सर, इसका बहुत बड़ा रोल है। क्या मानते हैं आप? वो सर, साथ में ये था कि आपको एक्स्ट्रा चीजें, जैसे चारों ऑप्शन होता है जी, उनके बारे में कंप्लीट आपको पता चलता है। अगर आपको जैसे रिटर्न में मिलता है, उसको कई कोचिंग होती है जो आपको ऑप्शन दे दिया कि ये सही है, लेकिन वीडियो में ये होता है कि उसके आसपास की चारों चीजें वो आपको उसके साथ और बेनिफिट मिलती है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, एक बात नरेंद्र जी से बात पूछनी बनती है कि अगर उत्कर्ष की बात है तो नॉन टेक की बात तो बनती है। आपने टेस्ट दिया, आपने टेस्ट सीरीज लगाई, ये बताइए टेस्ट सीरीज में क्या नॉन टेक का जो पोर्शन था कैसा था वो? वो सर, जैसे एसएससी का मेन प्री का पेपर हुआ था जी, उससे देखा जाए तो वो काफी सिमिलर था। ओके, और मेनली ये है हिमांशु सर की रीजनिंग। ओ वाओ, उनका तो सर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। चलो चलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू। उसका बेनिफिट ये हुआ था कि मेरे को 45 नंबर आए प्री में, रीजनिंग में आउट ऑफ 50। जी जी जी। तो जैसा भी बताया नरेंद्र ने कि टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल है और फैकल्टी मेंबर ने नरेंद्र के साथ मेहनत करी और आज इसने ये मुकाम पाया है, तो बहुत बहुत बधाई। एक लास्ट में आपसे बात पूछ जाऊंगा कि जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जो विद्यार्थी प्रिपरेशन करने के मूड में हैं और चाह रहे हैं प्रिपरेशन करें, उनके लिए क्या संदेश है आपका? उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके टेस्ट दीजिए। ये मत सोचिए कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। आपको स्टार्टिंग में ये लगेगा कि मार्क्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो आपको मेन एग्जाम में बेनिफिट होगा उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये हो सके, मेरे यहाँ पे मार्क्स आ रहे थे 100 और 90 के आसपास रह रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो एग्ज़ाम था उसमें मेरे 120 बने। ये होता है कि आप जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे वो उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। टेस्ट से कभी घबराए नहीं। ये सर बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की, टेस्ट से घबराना नहीं है साथियों। और टेस्ट जितने ज़्यादा दोगे, और क्वालिटी टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, प्रिपरेशन में क्वालिटी टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल है। और मैं हमेशा कहता हूँ, क्लास में भी कहता हूँ, यूट्यूब पे भी कहता हूँ, ऑनलाइन में भी कहता हूँ कि क्वालिटी चाहिए, उत्कर्ष चाहिए। तो साथियों, ये आपने कहानी सुनी नरेंद्र की, और नरेंद्र ने जिस तरह बताया उनका सिलेक्शन हुआ, मैं इनके मदर फादर से मिला, उन्हें काफ़ी खुशी हुई। तो साथियों, इस तरह की कहानी जब सुनने को मिलती है हमें, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और ये हमारा इनिशिएटिव है। पूरी टीम को मैं बधाई दूंगा यहाँ से। और साथियों, ये जो इंटरव्यू सेशन रहते हैं ना साथियों, ये आपको मोटिवेशन करने के लिए होते हैं, ताकि आपको पता लगे कि हम में से एक साथी यहाँ आया है, उसने इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हुआ है। तो आप भी यहाँ आ सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, बट शर्त ये कि सफलता आपको पानी है, और सफलता का दूसरा नाम उत्कर्ष है। तो साथियों, बने रहिएगा। और आप जानते हैं यूट्यूब पर तो हमारी रेगुलर क्लासेस चली रही हैं, तो साथियों उसमें भी आप आइए, क्लासेस लीजिए और हमारी टीम से रूबरू होने का मौका आपको मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।